दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कार स्टूडियो को घर में कैसे चलाएंगे उसके बारे में कनेक्शन बताएंगे। तो इससे पहले भी मैंने कार स्टूडियो के ऊपर वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि कार में किस तरीका से उसका वायरिंग होता है। मैंने ज़्यादातर उसको डिटेल्स के बारे में बताया था, उसके वायर के बारे में। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास एक कार स्टूडियो है। तो यहाँ पे बैक साइड में जो वायर होते हैं उसके डिटेल्स के मैंने बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लीजिए वीडियो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वायर ये कहाँ पे यूज होता है और कौन सी वायर किसके लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको घर में इसको कैसे चलाएंगे कार स्टूडियो को 12 वोल्ट के बैटरी से, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कनेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे हम इसको निकाल कर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कि यहाँ पे हमारा जो ये वायर आप देख रहे हो, ये वाइट है, ग्रीन है, पर्पल है और यहाँ पे ब्लू है। तो ये चारों आपका स्पीकर के लिए हो जाता है, जो कि कार स्टूडियो में 4 चैनल होता है। आपको फ्रंट जो आपका होगा 2 होगा और बैक में 2 होगा, लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट। तो इसलिए 4 कलर होता है। आप किसी भी कार स्टूडियो ले लीजिए, कोई भी कार स्टूडियो में आपको यही कलर मिलेगा, कोई चेंज नहीं होता है। या महंगा हो या सस्ता हो, कार स्टूडियो में आपको ये कलर सेम रहेगा। और यहाँ पे ये 4 कलर के अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एक पीला कलर का और लाल और काला, और ज़्यादातर इसमें एक और सिंगल ब्लू रहता है जो कि रिमोट के लिए दिया गया रहता है रिमोट के लिए दिया हुआ रहता है, तो वो इसमें नहीं है। हालांकि यहाँ पे जैक खाली है, तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी से इसका कनेक्शन किस तरीके से इसमें किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सब यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, कि यहाँ पे जो आपको काला वाला दिख रहा है ये हमारा बैटरी के ग्राउंड में होगा, और ये वाला रेड वाला और येल्लो वाला, येल्लो हमारा स्विचिंग के लिए काम करता है और ये हमारा प्लस का है जो कि बैटरी में जाएगा 12 वोल्ट का बैटरी में। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कि अगर हम इसको घर में चलाएंगे 12 वोल्ट की बैटरी से तो किस तरीके से चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ एक डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो कि ये कार का है। हालांकि ड्राइंग आपको अच्छा उतना नहीं बना है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कार कोई है, उसके ऊपर का है। ठीक है, ऊपर से ऐसे ही रहता है। यहाँ पे आपका ये कार का हैंडल हो गया, और यहाँ पे बगल में कार स्टूडियो लगा हुआ है जो कि हमारा यह भी देख सकते हैं, ऐसा ही यहाँ पर मैंने समझाने के लिए बना दिया गया है। और दोस्तों, शायद बैटरी आगे होता है तो मैंने यहाँ पर ड्राइंग में ऐसे ही बना दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो सबसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये स्पीकर के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं एक ग्रे टाइप का कलर है, यहाँ पे ये ग्रे कलर है जो फ्रंट पे कार के फ्रंट के दाहिने साइड में, राइट साइड में ग्रे रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं वाइट वाला जो है इसमें वाइट होगा, और वाइट वाला हमारा लेफ्ट में होगा। और ये ग्रे और वाइट हमेशा फ्रंट का होता है, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों हमेशा फ्रंट का होता है। आप इसको बैक में भी दे सकते हैं, लेकिन ये फ्रंट का है तो आप फ्रंट में ही दे सकते हैं, तो अच्छा होगा, अच्छा क्वालिटी साउंड बनाएगा आपके कार में। और यहाँ पे बचा एक बैगनी कलर का, एक हरा कलर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं हरा कलर का आपको लेफ्ट साइड में रहेगा और बैगनी कलर का आपका दाहिने साइड में रहेगा। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे ये भी कमेंट करते हैं कि क्या हम अगर लेफ्ट राइट को, अगर हम राइट को लेफ्ट में लगाएं और लेफ्ट को राइट में लगाएं तो क्या हमारा साउंड ख़राब होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये बिल्कुल साउंड ख़राब आएगा, ख़राब नहीं आएगा। यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट देखने को सिर्फ मिलेगा यहाँ पर, कि बहुत सारे कार में आपको छोटा सा LCD देखने को मिल जाता है। तो उसमें होता क्या है कि आपको वीडियो अगर देखते हो, मान लेते कि ये हमारा LCD है, आप उसमें कोई मूवी या देख रहे हो, तो अगर आपका ये राइट वाला लेफ्ट के साइड लगा है और लेफ्ट वाला राइट के साइड लगा हुआ है, मतलब उल्टा लगा हुआ है सब स्पीकर, ठीक है,
हालांकि ये फ्रंट का फ्रंट में ही रहेगा, बैक का बैक में ही रहेगा, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज रहेगा। तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए आप टीवी देख रहे हो इसमें एलसीडी में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एलसीडी में जो अगर गाड़ी दाहिने से बाएं की ओर जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो ये तो उल्टा रहेगा, तो इधर दाहिने से बाएं की ओर जो गाड़ी जाएगी उसका साउंड आपको इस साइड से इस साइड आने को ऐसा इसमें सुनाई देगा, क्योंकि स्पीकर जो है यहाँ पे लेफ्ट के जगह पर राइट लगा है और राइट के जगह पर लेफ्ट लगा है, मतलब ये ऐसे करके बदला गया है। तो वो मूवीज में जो आप देखोगे, जो वीडियो में चलेगा, तो साउंड अगर इस साइड से आएगा, मान लीजिए एलसीडी है, साउंड अगर राइट साइड से आएगा तो उसमें आपको लेफ्ट साइड से सुनाई देगा, मतलब उल्टा सुनाई देगा, तो वो आपको साउंड में सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि इसका सही कनेक्शन करें, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों स्पीकर का फ्रंट का और बैक का कलर कोड। और दोस्तों मैं इसका कलर कोड का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सर्किट डायग्राम लोड करके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कौन सा कलर का कौन सा यूज होता है, ठीक है। वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं इसमें भी माइनस प्लस होता है दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपली जैसा कि देख सकते हैं हर वायर में आपको यहाँ पे एक ब्लैक पट्टी मिल जाएगा सभी वायर पे, जैसा कि देख सकते हैं ब्लू पे व्हाइट है और यहाँ पे ग्रीन पे ब्लैक है। तो ब्लैक वाला हमेशा माइनस होता है और बाकी जो प्लेन है वो हमारा प्लस होता है। माइनस प्लस स्पीकर में भी होता है ताकि वो साउंड अच्छा निकाले, अगर उल्टा लगा देंगे तो साउंड अच्छा नहीं निकालेगा। और यहाँ पे बचा तीन वायर, तो जैसा कि देख सकते हैं 12 वोल्ट में बैटरी का माइनस प्लस का कनेक्शन होता है। तो ये जो हम पीला और लाल का जो कनेक्शन करते हैं दोस्तों, ये स्विचिंग के लिए किया जाता है। तो ये स्विचिंग का जो दोस्तों यहाँ पे ये हैंडल में जो हैंडल के पास जो हमारा मेन जो कार का चाबी होता है उसमें जो आप लगाते हो और ऑन करते हो, उसके बाद हमारा यहाँ पे सप्लाई इसमें चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक माइनस बचा जो कि ग्राउंड है, सिंपली यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ गया है और यहाँ पे एक स्विचिंग के लिए लगा दिया गया है। यहाँ पे जब हम कार का ऑन करेंगे तभी हमारे इसमें सप्लाई आएगा, अगर ऑफ करेंगे तो हमारा कार का सप्लाई ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो कार में से सप्लाई कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये यूज किया जाता है। तो चलिए हम अब इसको प्रैक्टिकली बजाकर देख लेते हैं और इसका कनेक्शन करके देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पे स्विच का यूज करूँगा यहाँ पे, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि अगर हम इसमें ऑन करते हैं तो ये काम करता है कि नहीं। तो इसका स्विच का कनेक्शन हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये दो पिन जो आपको दिख रहा है उसमें हम कनेक्शन कर लेंगे ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। और बैटरी के लिए दोस्तों हम रेड वाला से लेके और एक माइनस वाला से लेके निकालेंगे जो दो वायर हमारा निकल जाता है। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे स्विच का कनेक्शन कर लिया है। अगर आप स्विच का कनेक्शन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ये लाल वाला और पीला वाला को एक साथ जोड़ दें ऐसे करके, जैसे कि वायर डायरेक्ट ऐसे जुड़ता है वैसे जोड़ सकते हो। और यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे स्विच लगाया है, तो यहाँ पे ऐसे करके स्विच में कनेक्शन करके एक लाल वाले से मैंने एक वायर निकाल लिया है और यहाँ से हमारा ये काला वाला है, तो ये हमारा पावर सप्लाई चला जाएगा जो कि हमारा बैटरी में जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको अब यहाँ पे लगा देते हैं। और ये हमारा बैटरी से जुड़ा हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं डायरेक्ट बैटरी से वायर आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसका आपको वोल्ट चेक करके दिखा देते हैं ताकि आपको झूठ ना लगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये 14 वोल्ट शो कर रहा है, इसमें जब लोड पड़ता है तो ये 12 वोल्ट के आसपास में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। ये डीसी है 12 वोल्ट। तो चलिए अब हम इसको इसमें लगा कर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो चार वायर है तो फिलहाल मैं आपको एक ही स्पीकर इसमें जोड़कर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं इसमें हम एक वायर को जोड़ लेते हैं माइनस प्लस को देखते हुए। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ब्लैक हुआ बना हुआ है, तो ब्लैक वाला में हम ब्लैक को लगा देंगे माइनस को, और जो यह नॉर्मल है उसमें हम प्लस को कनेक्शन कर देंगे। ये हमारा स्पीकर का कनेक्शन हो गया दोस्तों। मैं यहाँ पे चार स्पीकर ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही स्पीकर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे सामने रखा हुआ है। और यहाँ पे ये स्विच का है
और ये एक माइनस का है, जैसा कि मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे स्विच का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों सिंपली हमारा बैटरी में जाएगा जो कि 12 वोल्ट का होगा। और दोस्तों जो 12 वोल्ट छोटा वाला बैटरी आता है उस पर ये चलेगा लेकिन आपका साउंड क्वालिटी नहीं देगा। और दोस्तों ये अडेप्टर पर भी चलेगा लेकिन ये साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं देगा क्योंकि कार स्टूडियो को एम्पियर ज़्यादा चाहिए। आप इसको 10 एम्पियर प्लस देते हैं तो आपका साउंड क्वालिटी कार स्टूडियो के अच्छे आएगा, ठीक है। अगर 10 एम्पियर से नीचे देते हैं तो आपका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि 10 एम्पियर का इसमें करंट दे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें इस बैटरी का, हमारा बैटरी जो साइड में रखा हुआ है उसका कनेक्शन यहाँ पे मैंने एक मेल जैक में लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे अंदर हमारा प्लस है और बाहर हमारा माइनस है, तो चलिए हम इसका इसमें लगा के यहाँ पे टेप लगा देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं यहाँ पे लगा के, तो इसमें मैंने सप्लाई दे दिया दोस्तों। अभी यहाँ पे आगे की ओर देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे अभी बंद है और यहाँ पे जैसा कि मेरा स्विच यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे ऑन करते हैं यहाँ पे स्विच को, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे स्विच को ऑन करते ही हमारा यहाँ पे ऑन हो गया। और यहाँ पे हम जब स्विच को ऑफ़ करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ़ करेंगे तो हमारा ये ऑफ़ हो जाता है। जब यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ऑन करते ही यहाँ पे सप्लाई आ जाता है इस कार स्टूडियो में। तो चलिए अब हम आपको इसमें चला कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली इसमें कार्ड रीडर लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्च ले लिया है और ये NCS म्यूजिक ऑन हो गया है, देखें ये वॉल्यूम। यहाँ पे मेरे सामने ये स्पीकर है जैसा कि देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और घर के बैटरी से आप किस तरीके से इसका कनेक्शन कर सकते हैं और किस तरीके से चला सकते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका से इसका कनेक्शन होता है। जिस तरीका से मैंने आपको बताया आप उस तरीका से किसी भी कार स्टूडियो का अपने घर में वायरिंग करके कनेक्शन करके इसमें बजा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।